तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है मीगर का यूज करके हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं मीगर को। ये जो है 100 मेगा ओम तक का मेजर कर सकता है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो है मीगर है, इसमें जो है दो प्रोब दिया हुआ रहता है जो कि कनेक्ट करते हैं, और जिसका भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है उससे उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका स्केल जो होता है मीगर का, वो जो है सबसे पहले जो है इनफिनाइट शो करता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है मेगा ओम में जो है ये इंडिकेट करेगा, इनफिनाइट से 0 ओम की तरफ जाता है ये पूरा का पूरा जो इसका स्केल होता है। ठीक है, यानी कि जब इंसुलेशन ज़्यादा रहेगा, यानी कि जब इनफिनाइट रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा, तो इनफिनाइट शो करेगा, और अगर कोई वायर अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट दिखाएगा, यानी कि 0 ओम दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है 500 वोल्ट और 100 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस जो होता है ये मेजर करेगा। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला जो टर्मिनल है, ये दोनों का दोनों प्रोब है, इसमें एक रेड होता है और एक जो होता है ब्लैक होता है, और ये दोनों को दोनों टर्मिनल, जैसे कि जिसका भी वायर का या कोई भी वाइंडिंग का मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है तो वहाँ पे ये दोनों प्रोब को हम कनेक्ट कर देते हैं, और वहाँ कनेक्ट करके हम क्या करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अभी जैसे कि हम नॉर्मली देखें तो ये क्या है, हमारा दोनों को दोनों जो प्रोब है यानी कि दो वायर है ये अभी ओपन सर्किट है। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट करके नहीं रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये ओपन सर्किट है तो इनफिनाइट रेजिस्टेंस इसको शो करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो इनफिनाइट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस दोनों को ओपन रखेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, और ये वाला जो बटन है रेड वाला इसको प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से हम देखेंगे कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, हमारा जो पॉइंटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि ये शो कर रहा है इनफिनाइट ओम को। ठीक है, यानी कि इनफिनाइट रेजिस्टेंस को जो है मेजर कर रहा है ये, इसका मतलब कि ये दोनों वायर ओपन सर्किट है। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि अगर दोनों वायर को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होगा तो हमेशा शॉर्ट सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम होता है। तो देखिए यहाँ पे जब हम प्रेस करेंगे रेड वाला ये जो बटन है हमारा, इसको प्रेस करने से अब जो हमारा पॉइंटर होगा वो 0 ओम शो करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 0 ओम जो होता है ये शो कर रहा है। अब इसमें क्या है ना कि अभी ये जो है नया है तो इसमें हमने अभी इसका वैल्यू एडजस्ट किया हुआ नहीं था, तो इसको सबसे पहले हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो बटन दिया हुआ है ना, जो मूव कर सकते हैं हम इसको, इससे हम यही में जो होता है 0 पे एडजस्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब ये 0 पे एडजस्ट हो चुका है। अब मुझे मेजर करना है इसका रेजिस्टेंस, तो ये वाला रेजिस्टेंस यानी कि हमने इसको क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट किए तो रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अब हम प्रेस करेंगे बटन को, जब प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पे 0 ओम दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 ओम दिखा रहा है, और 0 दिखाएगा भी क्योंकि अभी दोनों वायर एक साथ जुड़ा हुआ है। अब दोनों को जैसे पहला कंडीशन में हम ओपन कर देंगे तो अब इनफिनाइट शो करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है ना, हम दिखाएंगे आपको कि कोई भी मोटर का, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया या सिंक्रोनस मोटर हो गया तो उसका कैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं वाइंडिंग का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में दिखाया जाएगा।